प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 5 समांतर श्रेणी का अध्ययन करेंगे। समांतर श्रेणी, इसे इंग्लिश में एपी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहा जाता है। तो समांतर श्रेणी जो होती है वो अंकों की एक श्रृंखला होती है जिसमें प्रत्येक दो पदों के बीच में क्रमानुसार जो पद आते हैं, पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, तो प्रत्येक जो दो क्रम से आने वाले पद हैं उनके बीच का अंतर क्या होता है, समान होता है। तो जिसमें ये अंतर समान पाया जाता है वही जो श्रृंखला है वो समांतर श्रेणी की श्रेणी में आती है और अन्य श्रृंखलाएं नहीं आती हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, प्रश्नावली 5.1 का, कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी है और क्यों है। तो कुछ स्थितियाँ दी गई हैं और हमें बताना है कि उसमें से कौन सी स्थिति एपी की कंडीशन को फुलफिल करती है और कौन सी नहीं करती है। तो पहला प्रश्न है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है, यानी पहले किलोमीटर का किराया फिक्स है और उसके बाद जितने किलोमीटर जाएंगे उतने किलोमीटर के लिए ₹8 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो उसको हल करते हैं। सबसे पहले लिखा है मैंने, एक किलोमीटर के लिए किराया A1 इज इक्वल टू ₹15। तो समांतर श्रेणी के पदों को हम A1, A2, A3 इस तरीके से लिखते हैं। तो जो पहला पद है यानी पहले किलोमीटर का जो किराया है वो क्या है, 15 है, क्योंकि हमें यहाँ किराए को ही दिखाना है कि वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। उसके बाद दूसरा दो किलोमीटर के लिए किराया A2, दूसरा पद, वो क्या हो जाएगा, 15, यानी पहले किलोमीटर के किराए में हम ₹8 जोड़ देते हैं क्योंकि अतिरिक्त किलोमीटर के लिए हमें ₹8 देने हैं। तो 15 + 8 कितना हो गया, 23। तो यानी 2 किलोमीटर के लिए जो किराया वो क्या है, 23 है। तो दूसरा पद श्रेणी का जो है वो क्या है, 23 है। फिर 3 किलोमीटर का किराया जो हमें यहाँ 23 प्राप्त हुआ था उसी में हम 8 और जोड़ देंगे, तो 23 और 8 31, ये तीसरा पद हो गया। और 4 किलोमीटर के लिए किराया A4 इज इक्वल टू 31 में 8 जोड़ देते हैं तो ये हो गया 39। तो इस प्रकार हमें 4 पद A1, A2, A3, A4 के मान यहाँ पे हमने निकाले हैं। अब हम इनके बीच का अंतर देखेंगे क्रमानुसार कि जो दो दो पद हैं जोड़े में लेकर के कि उनके बीच का अंतर सेम है या नहीं है। तो जैसे पहले हमने A2 में से A1 को घटाया, A2 हमारा 23 था और A1 हमारा 15 है, तो 23 में से 15 घटा के हमें 8 प्राप्त हुआ। अब हम A3 में से A2 को घटा रहे हैं, A3 - A2 इज इक्वल टू 31 - 23, तो ये आगे ये भी हमें 8 प्राप्त हुआ है। फिर A4 में से A3 को घटा रहे हैं, तो A4 39 था और A3 हमारा 31 था, तो ये घटाने पर भी हमें 8 प्राप्त हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि तीनों ही केसेस में हमें कितना प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ, यानी हमने जब क्रम से आने वाले दो दो पदों का अंतर देखा तो वो अंतर हमें समान प्राप्त हुआ। तो चूंकि क्रमागत पदों में अंतर समान आया है इसलिए जो हमें संख्याओं की सूची दी है यानी किराए की जो हमें सूची दी थी वो क्या है, एक समांतर श्रेणी है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, किसी बेलन या सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, तो हमें बताना है किसी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जो है वो एपी होगी या नहीं होगी। केस है कि जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, यानी हर बार मात्रा घट रही है या पहले से मौजूद जो मात्रा है उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है पंप के द्वारा। तो हमें बताना है कि जो हमें पद प्राप्त हो रहे हैं हर बार शेष हवा के वो जो है समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो इसका हल जो है कुछ इस प्रकार से हम करेंगे। हमने सबसे पहले माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, यानी जो पहला पद हमारा वो क्या था, शुरू में x था। तो पहली बार में जब हवा निकली तो बेलन में जो हवा शेष रही वो कितनी थी, दूसरा पद A2 हम उसे कहेंगे, यानी जो हवा की मात्रा है उसका 1/4 घट गया है। तो हवा की मात्रा x थी, x का 1/4 1/4x हो गया, तो ये घट जा रहा है किसमें से, जो प्रारंभिक मात्रा थी x उसमें से। तो x माइनस 1/4x इज इक्वल टू कितना हो गया, 3/4x, ये हमारा दूसरा पद है। फिर दूसरी बार में हवा, अब उसके बाद फिर पुनः हवा निकाली जा रही है, तो हवा निकालने के बाद बेलन में अब जो शेष हवा होगी तीसरा पद वो इस हवा 3/4x में से घटेगी और इसी का हम 1/4 भाग भी लेंगे क्योंकि जो हवा शेष है उसी का 1/4 भाग निकल रहा है। तो 1/4 ऑफ 3/4x को घटाएंगे 3/4x में से, तो ये गुणा हो जाएगा पीछे वाला पद, देखिए 4 × 16 इसका जो हर आपस में गुणा हो जाएगा तो 3/16 हो जाएगा, यानी हमें 3/4 में से 3/16 को घटाना है। तो 4 और 16 का लॉस आपको जानते हैं कि 16 ही होता है, यानी इस पद को हमें ऊपर नीचे 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 3 × 9 हो जाएगा, सॉरी 3 × 12 हो जाएगा, 12 में से 3 गया तो 9 शेष रहा, यानी 9/16x हमारा जो है आंसर आ जाएगा।
फिर तीसरी बार हवा निकालने के बाद बेलन में शेष हवा, ये हमारा चौथा पद है A4। तो ये हमारी दूसरी बार की जो शेष हवा थी वो थी 9/16x। इसी का हम 1/4 पार्ट घटा देंगे, तो यहाँ गुणा करने पे देखिए 16 चक्को 64 और ऊपर 9 एकम 9x पीछे वाला पद हमें जो है उसे सॉल्व करके मिला है। तो हम इन दोनों का एलसीएम ले रहे हैं 64, तो हमने इस पद को 16 चक्को 64 होता था ऊपर नीचे 400 गुणा कर लिया, तो 9 चक्को कितना हो गया 36। तो 36 में से 9 घटाने पे हमें प्राप्त हुआ है 27/64x। ये पद भी हमें ऐसे ही प्राप्त हुआ था जब हमने इन भिन्नों को घटाया था। तो अब हम अंतर देखते हैं, पहले पद और दूसरे पद के बीच में देखेंगे तो A2 हमारा 3/4x था और A1 हमारा x था, तो इसमें से इसको घटाया तो हमें प्राप्त हुआ -1/4x। इसी प्रकार A3 - A2 को घटाने पे हमें प्राप्त हुआ है -3/16x। और A4 में से A3 को घटा रहे हैं तो इस केस में हमारा आंसर बिल्कुल अलग आया है -9/64x। तो यानी तीनों केसेस में हमारा जो अंतर है वो अलग अलग आया है। तो चूंकि क्रमागत पदों में अंतर समान नहीं है इसलिए जो संख्याओं की सूची है वो एपी नहीं है, यानी इस केस में जो हमें श्रृंखला प्राप्त हो रही है, जो पद प्राप्त हो रहे हैं वो एपी में नहीं है। फिर तीसरे प्रश्न पर आते हैं, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत ₹150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत ₹50 बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर हमें जो है खुदाई की लागत से जो श्रृंखला प्राप्त हो रही है उसे चेक करना है कि वो एपी में है या नहीं है। तो पहले मीटर की खुदाई की लागत हमें 150 दी है, तो हमारा पहला पद एक मीटर की खुदाई की लागत जो है वो हो जाएगा A1 = ₹150। उसके बाद जब हम 2 मीटर खोद रहे हैं तो इसी लागत में हम कितना और जोड़ेंगे 50 और जोड़ देंगे, तो 150 + 50 कितना हो गया 200, यानी दूसरा पद हमें प्राप्त हुआ है 200। इसके बाद 3 मीटर की खुदाई की लागत, तो उसमें हम जो ₹200 हमारा 2 मीटर की खुदाई की लागत थी उसमें 50 और जोड़ लेंगे, तो ये हमें प्राप्त होता है 200 और 50 250। तो ये हमारा तीसरा पद है। और 4 मीटर की खुदाई के लिए हमारी जो लागत होगी उसको हम A4 से दिखाएंगे, तो 250 में हम ₹50 और जोड़ लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 300। तो अब डिफरेंस निकालते हैं, A2 में से एक को घटाएंगे, A2 हमें 200 प्राप्त हुआ था और A1 हमें 150 प्राप्त हुआ था, तो ये अंतर आया है घटा के 50। इसी प्रकार A3 में से A2 को घटाने पर भी हमें ₹50 का अंतर मिलता है और A4 में से A3 को घटाने पर भी हमें 50 का ही अंतर प्राप्त होता है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे जो क्रमागत पद हैं उनके अंतर समान हैं, तो ये जो संख्याओं की सूची हमें दी गई है वो एपी में है। फिर पहले प्रश्न का अंतिम जो भाग है वो है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि ₹10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो हमें यहाँ पर जो है मिश्र धन की जो श्रृंखला है उसे चेक करना है कि वो एपी में है या नहीं है। और हमें यहाँ पर हिंट दिया है कि हमारा जो प्रथम वर्ष का जो धन है वो है 10,000 और उस पर हर वर्ष 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। तो हमने यहाँ दर लिखी 8% वार्षिक और हमारा मूलधन जो A1 यानी पहला पद है वो है 10,000। तो एक वर्ष के बाद जो हमारा मिश्र धन होगा A2, एक वर्ष है तो हमारा जो फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का वो क्या होता है, Principal × 1 r/100n, जहाँ n हमारा क्या होता है समय होता है, r हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, p हमारा जो है मूलधन हमें दिया है। तो 10,000 × 1 + 8/100 यहाँ समय हो गया 1। तो इसे हल करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आपका हल आएगा 108/100, 100 + 100 + 8, 108/100 और से इसे 10,000 से गुणा करेंगे तो फिर हमें प्राप्त होगा ₹10,800। तो ये एक वर्ष के लिए मिश्र धन है और ये हमारा दूसरा पद है। जब हम देख रहे हैं 2 वर्ष बाद, तो यहाँ पे समय हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बाकी चीज़ें वहीं रहेंगी, तो हल करने पे हमें प्राप्त होता है ₹11,664। 3 वर्ष के लिए जब हम देखते हैं तो हमारे यहाँ समय 3 वर्ष हो जाएगा, बाकी चीज़ें वहीं रहेंगी, तो यहाँ पर हमें उत्तर प्राप्त होता है लगभग 12,597.12। तो इसे राउंड ऑफ में हमने 12,597 मान लिया है। तो ये हमें 4 जो है पद प्राप्त हो गए हैं मिश्र धन के। तो हम इनका डिफरेंस देखते हैं, जब हम A4 में से A3 को घटाते हैं, A4 ये हमारा पद है और A3 ये है, तो हमें आंसर मिलता है 933। फिर जब हम A3 में से A2 को घटाते हैं, यानी इसमें से हम इसको घटा रहे हैं 11,664 में से 10,800 को, तो हमें आंसर मिला है 864। और जब हम A2 में से A1 को घटा रहे हैं, 10,800 में से हमने 10,000 को घटाया तो हमें प्राप्त हुआ है 800। तो तीनों ही केस में जो हमारा उत्तर आया है वो क्या है, अलग अलग है। तो इस कारण
हम कह सकते हैं कि जो क्रमागत पद है इनमें हमारा अंतर समान हमें प्राप्त नहीं हुआ है, तो दी गई जो संख्याओं की सूची है वो एपी में नहीं है। तो इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.1 के पहले प्रश्न के सभी भागों को हल करना सीखा। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।